जब भी हम ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई फेस पैक या कोई कॉस्मेटिक आती है और हमें ऐसा लगता है कि ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए। लेकिन कुछ फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जिनको हम अपनी डाइट में रखेंगे, एड ऑन करेंगे, तो वो भी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर डिटेल्ड बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड केयर। आज की वीडियो में हम ऐसे पांच फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हैं और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, उनकी एजिंग प्रोसेस को डिले करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला फूड आइटम है टमेटोज। अगर हम टमाटर को पकाकर खाते हैं, कुक्ड टमेटो अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं, तो ये भी हमारी हेल्थ और हमारी स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। टमाटर का जो रेड कलर होता है वो एक फाइटोकेमिकल की वजह से होता है जिसका नाम है लाइकोपीन। ये लाइकोपीन बहुत हेल्पफुल होता है हमारी स्किन में कोलेजन को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कोलेजन है क्या। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन है, ये नेचुरली हमारी स्किन में होता है और जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती है, बाहर हम घूम रहे होते हैं या एक एजिंग प्रोसेस के साथ भी, इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो एक यूथफुलनेस है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो लाइकोपीन रिस्पॉन्सिबल है कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ में जो यूवी रेज की वजह से हमारी स्किन में डैमेज होता है या एक पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, ये उसको भी दूर करता है। अगर हम हर दिन 5 चम्मच टमाटर पेस्ट अपनी डाइट में रखेंगे तो ये हमारी स्किन को यंग रखेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और स्किन को हेल्दी भी रखेगा। दूसरा फूड आइटम है कैरेट, जिसको कि हम गाजर भी कहते हैं। गाजर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली हमारी आँखों की रोशनी के लिए। गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है। बीटा कैरोटीन का फंक्शन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जो ये बीटा कैरोटीन है, ये हमारी स्किन की अपर लेयर पर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस पर जो सेल्स का प्रोडक्शन है उसको कम करता है। अब ये हमारी स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल है उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, अब एपिडर्मिस है, इसमें जब बहुत ज़्यादा सेल का प्रोडक्शन होता है तो ये जो सेल्स होती हैं ये डेड सेल्स की तरह हमारी स्किन पर दिखाई देती हैं और हमारी स्किन को डल बनाती हैं। और ये जो डेड सेल्स हैं ये सीबम के साथ मिलकर जो हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं उनको क्लॉग करती हैं, उनको बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से एक्ने और भी कई सारे ब्रेकआउट्स हमारी स्किन पर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम गाजर को अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो जो इसमें बीटा कैरोटीन है ये हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट फूड आइटम है टर्मरिक, जिसको कि हम हल्दी भी कहते हैं। हल्दी के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि लेकर के पेन किलर से और कैंसर तक ये हमें बचाती है। जब हम पेन किलर की बात करते हैं तो रिसर्चेज में पाया गया है कि आइब्रोफेन, जो कि एक पेन किलर मेडिसिन है, उससे भी ज़्यादा पेन किलिंग इफ़ेक्ट हैं हल्दी में। इन सब चीज़ों के साथ साथ हल्दी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारी स्किन पर जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है उसको लाइटन करने में, उसको डल करने में। साथ में जो एजिंग की वजह से हमारे फेस पर स्कार्स आ जाते हैं, स्किन पर गड्ढे पड़ जाते हैं, उन सबको भी हील करता है। हल्दी का एक बहुत सिंपल सा फेस पैक भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम हल्दी में थोड़ा सा शहद मिलाएं और उसका एक पेस्ट बना लें और उसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें। ये भी बहुत अच्छा रहेगा हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को हटाने के लिए और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। चौथा फूड आइटम है पपाया।
हम सभी लोग जानते हैं पपाया हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल लेक्सेटिव का काम करता है, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक पेपीन नाम का एक्टिव एंजाइम पाया जाता है। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं हमारी स्किन के लिए। सबसे पहली चीज़ कि हमारी स्किन पर जो एक्नेज हो जाते हैं उनको रिमूव करता है। ये जो पेपीन एंजाइम है ये हमारे पोर्स में जो फैट जमा हो जाती है जिसकी वजह से एक्ने आने हमारी स्किन पर शुरू हो जाते हैं, पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं, ये उस फैट को डिसॉल्व करता है जिसकी वजह से हमारी स्किन क्लियर होती है और एक्नेस जो हैं वो भी आने कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारी स्किन से ब्लेमिशेस को भी रिमूव करता है। हम हर दिन एक बाउल पका हुआ पपीता खाएं तो ये हमारी हेल्थ और हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पांचवा फूड आइटम है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी ब्रेन फूड का काम करता है, मतलब हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़? अगर हमारी स्किन में किसी तरह के कोई रैशेज, जलन है या कोई स्वेलिंग आ गई है तो उसको ये दूर करते हैं। एजिंग प्रोसेस को डिले करता है जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हमारी स्किन पर आने लगते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं और जो डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन पर होते हैं उसको भी क्लियर करता है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी स्किन को डीप हाइड्रेट करता है। जब हमारी स्किन हाइड्रेट होती है और जो ब्लेमिशेस या डार्क स्पॉट्स हैं वो हट जाते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स कम हो जाते हैं, तो हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनती है। फ्लैक्स सीड्स को, जिसको कि हम अलसी भी कहते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं इसका पाउडर बनाकर। कैसे बनाएंगे ये पाउडर? पाउडर बनाने के लिए हमें एक पैन में अलसी के बीजों को रोस्ट कर लेना है, जैसे कि हम तिल को करते हैं। रोस्ट करने के बाद हम इसको मिक्सी में चलाएंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर हम 6 हफ्ते तक दिन में एक बार लें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। हमारी स्किन पर जो एक इरिटेशन, स्वेलिंग या कोई रैशेज आ गए हैं उनको दूर करने में, डार्क स्पॉट्स को दूर करने में और साथ में हमारी स्किन को डीप हाइड्रेट करने में। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि जब हम फ्लैक्स सीड्स का पाउडर बनाते हैं तो ये हमें 5 या 6 दिन के लिए ही बनाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा बनाएंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने 5 फूड आइटम्स के बारे में बात की जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में। आने वाली वीडियो में और फूड आइटम्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो बहुत सिंपल से आइटम्स हैं ये सब, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं इजीली उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए और उनका फ़ायदा उठाइए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।